आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से पिज्जे का नान। अब तक लेकिन हम गेहूं के आटे के पिज्जे का नान बनाएंगे। एक कप हम आटा लेंगे गेहूं को, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे, खमीर लेंगे, चाहिए बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है ये पूरा ले लेते हैं। तेल पकाने, दही, अगर आप अंडा मिलाना नहीं चाहते, जो वेजिटेरियन वो अंडा नहीं खाते, तो अंडा अंडा मिलाए दही और नमक के जरिए मिलाकर इतने आटा गूंदे सिर्फ। और अगर वेज नॉन वेज खाते ही आप तो अंडा भी जरूर मिलाए, अंडे से ज़्यादा अच्छा बनता है पिज्ज़ा का नान। अंडा मिलाए तो फिर ना मिलाए चलेगा। अब इसे गूंद देते हैं इतने, ये हो गया आटा गूंदते तैयार। अब इसे कुछ वक्त के लिए इसे बंद करके रखते हैं, थोड़ी देर के बाद बनाएंगे इसे। सुई नान का आटा हमारा तैयार हो गया है ऐसे। अब इसे बनाते हैं पिज्जा। पिज्जा हम इसमें सेकेंगे और अब जमाएंगे इससे। मैं थोड़ा तेल अप्लाई कर देते हैं। साइज में थोड़ा ऊंचा कर देंगे। इस तरह से थोड़ी सी उंगलियों से थोड़ा खड्डा कर देंगे। अब पिज्जा टॉपिंग, होममेड पिज्जा टॉपिंग नहीं, हमने घर में बना के रखा हुआ काफी तरह से। टमाटर, शिमला मिर्ची, प्याज और ये बेबी मेथी है, इसको हो गया। ये हो गया पिज्जा तैयार। ये पिज्जा दूसरे पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये अच्छा बना हुआ है।